अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबी। टुडे इज 13 जुलाई 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज जो है KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 45,514। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 45,970 का। मार्केट ने आज के दिन लो लगाया 45,255 और क्लोजिंग दी मार्केट ने 45,266। तकरीबन 311 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन जो है 11.36 बिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज के दिन जो है अगर टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो है वो ज्यादा काम देखा गया। WTI के अंदर तकरीबन जो है 55.54 मिलियन का। इसके बाद सेकेंड नंबर पर TPLP है जिसके अंदर तकरीबन 42.17 मिलियन शेयर का काम देखा गया। फिर थर्ड नंबर पर के इलेक्ट्रिक है, यूनिटी फूड है, PRL है और PIBTL जो है आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में जो है वो शामिल है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे उनसे पहले कैंडल्स की फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ से कैंडल ने जो है वो अपना स्टार्ट लिया था, अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 42,284 का। फिर एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन हुई और इसके बाद मार्केट ने जो है थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन ली और फिर अपना एक ब्रेकआउट देने के बाद इंडेक्स जो है वो ऊपर गया। जैसे आज के दिन इंडेक्स ऑलमोस्ट जो है जो इंडेक्स ने खास तौर पर आज के दिन अपना हाई लगाया था यहाँ पर तकरीबन 46,000 के राउंड अबाउट। आज जो है तकरीबन मार्केट ने अपना हाई जो लगाया वो ऑलमोस्ट जो है 45,970 का। मार्केट ने अपना हाई लगाने के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि 46,000 के राउंड अबाउट जो है मार्केट ने अपना हाई लगाने के बाद फिर आज जो है इन्वर्टेड हैमर की जो है वो फॉर्मेशन हुई है। तो कल के दिन अगर इंडेक्स जो है अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है और क्लोजिंग दे देता है, जो इस ग्रीन कैंडल का लो लगा हुआ है 45,155, यानी अगर कल के दिन मार्केट 45,000 से नीचे की क्लोजिंग दे देती है या आने वाले दिनों में इससे नीचे की क्लोजिंग देती है, तो हम ये समझेंगे कि ये जो इतनी मार्केट ने यहाँ से 41,000 से शुरू किया था और ये जो तकरीबन 4-5 हज़ार पॉइंट मार्केट के अंदर गेन हुए, इसका डाउन ट्रेंड जो है वो हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में क्या पोजिशन रहती है। आज भी मार्केट जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो नीचे आई है। फिलहाल मार्केट की सपोर्ट की बात करते हैं तो मार्केट की सपोर्ट खड़ी है। जैसे पहले मार्केट ने अपनी सपोर्ट आज ब्रेक की 45,538 से नीचे क्लोजिंग दे दी। अब मार्केट की फिलहाल सपोर्ट मौजूद है 45,170 पर और इसके बाद अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट की बनेगी वो तकरीबन 44,500 के राउंड अबाउट है और उसके बाद जो है 43,500 के राउंड अबाउट। तो यानी दावा करते जो है हर पॉइंट पर जो है कम से कम 600-700 पॉइंट जो है वो नीचे आते हुए नजर आएंगे अगर इंडेक्स जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे आता गया। तो बहरहाल ये सारी सपोर्ट लेवल है। इंशाल्लाह अगर मार्केट इन दिनों जो है ये जो आज मार्केट ने अपना हाई लगाया 45,960 के या 970 के राउंड अबाउट, अगर आने वाले दिनों में मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम ये समझेंगे कि मार्केट ने अब नीचे नहीं आना बल्कि इससे भी ऊपर का सफर तय करना ही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव करती है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। आज ही इमरान खान साहब है, आपने पूछा कि PIBTL पे आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके तो आपने जो है इसका स्टॉप लॉस जो है वो पूछा हुआ है कि फिलहाल इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। सर फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 4.50 का। इस स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसको चलाए रखेंगे। आज ही हसन कमाल साहब आप कह रहे हैं आपकी सरल की बाइंग है तकरीबन 89 रुपीज की, क्या एवरेज कर ले किसी और स्टॉक में ऐड करें। सरल जो है सर यहाँ पर काफी यानी कि यह बुलिश हुआ हुआ है तो आप जो है इसने जब 41 का ब्रेकआउट दिया तो अब इसके अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग जो है इसके अंदर एवरेज जो है वो आप कर सकते हैं। वॉल्यूम इसका अच्छा लगा हुआ है तो आप जो है इसके अंदर एवरेज करें। फिलहाल अगर ये क्रॉस कर गया तकरीबन 50 से ऊपर ऊपर तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो 58 के राउंड अबाउट जो है वो होगा। ये तो सरल जो है फिलहाल काफी बेहतर जा रहा है तो बेहतर ये कि आप जो है इसी के अंदर थोड़ा बहुत ऐड करेंगे।
हाँ जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी मोहम्मद नईम साहब कराची से। आपने पूछा कि LSC प्रोपेक्स लिमिटेड और AKD हॉस्पिटैलिटी के बारे में पूछा। हाँ जी, LSE जो है वेंचर लिमिटेड है, ये तो आई थिंक जो है म्यूचुअल फंड टाइप जो है, ये स्टॉक्स जो है ये लगते हैं, और AKD हॉस्पिटैलिटी भी जो है वो म्यूचुअल फंड टाइप है। तो आप इनके अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनका कोई इश्यू नहीं है। आज ही शकील साहब है कराची से, आपने PSO और जो है PICT और ट्रीट बाय कर सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बाय कर सकते हैं, अगर PSO आने वाले दिनों में आ जाता है तकरीबन जो है 115 रुपए से नीचे नीचे, तो इसको बाय किया जा सकता है। इसी तरह ट्रीट जो है जब तक ये 20 रुपए से नीचे नीचे है आप इसको बाय कर सकते हैं, और PICT को जो है वो स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें, इसका स्टॉप लॉस लगाएं तकरीबन जो है जो इसने लो लगाया हुआ था तकरीबन 35 रुपीज के राउंड अबाउट, इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं। हाँ जी उमर साहब है, आपने पूछा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक बेहतर है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बता दें, और यूनिटी एंट्री ले सकते हैं, किस रेट में ले सकते हैं ये? सर जो इंट्राडे के स्टॉक होते हैं वो डे के हिसाब से ही जो है वो बताने पड़ते हैं कि डे के हिसाब से जो स्टॉक सूट करता है, तो उसके हिसाब से डे बाय डे ये स्टॉक चेंज होते रहते हैं, मार्केट के दौरान ही पता चल सकता है कि ये स्टॉक जो है वो इंट्राडे में आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्विंग ट्रेडिंग की बात है तो स्विंग में आप देख लें कि फिलहाल जैसे जो है ऑटो सेक्टर के स्टॉक ऊपर गए फिर थोड़े से नीचे आए, फर्मा के थोड़े से ऊपर आए फिर नीचे आए, तो इस तरह के आप स्टॉक देख सकते हैं स्विंग के लिए कि शॉर्ट टर्म में कौन से स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहे हैं और फिर उनके अंदर जो है वो करेक्शन हो रही है। तो इस तरह आप कोई ढूंढ ले कोई से भी स्टॉक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अमरेली स्टील की बात करता हूँ आपको समझाने के लिए, अमरेली स्टील ने यहाँ से स्टार्ट किया था 15 से, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर आज से करेक्शन की और फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो इस तरह आप स्टॉक्स के अंदर देखें कि जो नीचे आकर एक खास लेवल पर आकर सपोर्ट लेकर वापस फिर ऊपर चला जाए, फिर एक खास रेजिस्टेंस पर टकरा कर फिर नीचे आए फिर सपोर्ट, आप कोशिश करें कि जो है इसको थोड़ा सा सीख भी लें ताकि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो है वो अंदाजा हो जाए कि कौन सा स्टॉक किस जगह पर रेजिस्ट करके नीचे उस सपोर्ट पर आता है, तो तब आपको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो स्टॉक के स्विंग का जो है वो समझ आएगी। हाँ जी आबिद साहब है लाहौर से, आपने कहा कि TGL कहाँ तक नीचे आ सकता है, TGL देख लेते हैं, तारीख लास्ट फिलहाल तो 74.71 तक जो है ये नीचे आ सकता है, आपकी अगर बाइंग है तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा और एवरेज भी इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं ये। हाँ जी, तो तकरीबन जो है ये सारे थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।